के सागर ने स्क्यूडियो को नॉक किया। हाइड्रा के जायरो को रश करना नहीं, पहले वो हैरी को रिवाइव करना चाहेंगे एंड फिर ऊपर मवी नॉक्ट है। ओआर मुझे ट्रबल में दिखते हुए पीछे से एसवाईएन के क्यूरियो को शॉट्स आ रहे हैं। टीडीपी का डोकू डोकू चाहे तो आके हाइड्रा को पूरे वाइप आउट कर सकता है क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके पीछे एक बंदा आ रहा है। यहाँ पे बहुत एक्शन चल रहा है इस बार की, बहुत लोग मर रहे हैं। फटाफट कुछ ही क्षणों में हमने 52 से 41 लोग पे आ चुके हैं। हाँ यस, एंड अभी भी एक चीज अगर आप ध्यान दोगे सर भाई की 14 से चलो अभी 13 नंबर स्कोर पे आ चुके हैं। एग्जिस्टेंस उधर जीरो डिग्री एक बंदे का नॉकआउट कर चुका है। रिगल टॉस उधर नॉकआउट कर चुका है। उद्यन वीएसएस अभी जो भी स्कोर मैंने बोला था कि इस साइड पे है उन लोगों को रुइंस की तरफ है, उन लोगों को जोन के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऑरेंज रॉक के टीम ने यहाँ पर बहुत ही प्यारा पोजीशन होल्ड पर बैठा है। दो स्क्वाड उधर एलिमिनेट हो चुके हैं एंड उधर सिनर्जी गेमिंग एंड पेन स्पोर्ट्स बहुत ही नजदीक है, उन लोगों का फाइट होगा। वे डाउन टू 12 स्कोर राइट नाउ, मुश्किल होने वाला है अगर जो स्कोर रोहित पे आ चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पे MSX का इग्नाइट काफी अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहा है, ऑल्दो इनके ऊपर एक टीम है पर इन लोग जो स्पॉट में है वो टीम को भी इनको मारना इजी नहीं होगा। ऊपर से इन लोग पूरे कवर्ड है। यहाँ पे इनके ऊपर ऑरेंज रॉक है पर ऑरेंज रॉक के पास अगर लो टॉस नेट्स करते हैं तो पूरी टीम एक साथ जा भी सकती है। पर अभी के लिए टीम 11 और उसके नीचे वाली टीम दोनों ही टीम 8 काफी अच्छा पोजीशन लेके रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम भारी मात्रा में कैजुअलिटी हमें देखने को मिल रहा है। हर एक सेकंड में हमारा किल फीड बढ़ते जा रहा है एंड जोन देखो ऊपर से फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये जोन बहुत डेडली होने वाला है सब स्क्वाड के लिए। जो बहुत सारे स्क्वाड जो रोहित की तरफ से वो लोग निकल चुके थे लेकिन अभी वो लोग वापस आने की कोशिश करेगा भी मुश्किल होगा। पेन के साथ यहाँ पर क्लोज एंड फाइट 0 डिग्री का किल सब को यहाँ पर नॉट कर चुका है, किल सब को पूरा क्लियर आउट भी कर देगा। 0 डिग्री के वहाँ पर गॉड एंड रेड बचे हैं। आई थिंक सूर्या डाउन हो चुका था पहले तो ये 2v3 सिचुएशन है राइट नाउ। 9 स्क्वाड पे आ चुका था भाई, डायरेक्ट 12 से 9 स्क्वाड पे। ये हर एक सेकंड में टीम्स मर रहे हैं क्योंकि जोन का डैमेज बहुत है। ऊपर से ऐसा जब जोन बन जाता है उसके बाद तो लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जेड कर ब्रेड शायद पुश करेगा। यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन है, पेन के तीनों बंदे तैनात है। यहाँ पे जेड के पास जोन एडवांटेज, यहाँ पे सोल ने ईएक्स के सोल लेगल्टस ने ईएक्स के ऑरेंज को फिनिश ऑफ किया एंड पेल कोल्ड ब्रेड यहाँ पे एक नेट ट्राई करते हैं। सही बोला आपने एंड गॉड उस नेट से नॉकआउट भी हो चुका है तो अभी 0 डिग्री का सिर्फ अकेला बंदा बचा। कोल्ड ब्लड यहाँ पर निकल चुका है, कोल्ड ब्लड यहाँ पर डाउन कर सकता है। रेड पूरा कोशिश करते हुए यहाँ पर सोल का टीम ने बहुत ही प्यारा रोटेशन मार चुका था भाई। अगर आप मैप पे देखोगे तो उसके अंदर आ चुका है वो लोग, जोन के अंदर आ चुके हैं। पर अब आप देखिए जोन के अंदर मुझे 1, 2, 3, 5 स्क्वाड दिख रही है 11, 8, 15 और 4 एंड यहाँ पे पेन वाइपर पेन का यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रहा है। इन लोग के पास एक कंपाउंड है बहुत बैटल करता है इन जोन्स में। यहाँ पे इन लोग ने फिनिश करते हुए 0 डिग्री को ना 0 डिग्री कोल्ड ब्लड का बहुत ही प्यारा स्प्रे। कोल्ड ब्लड के स्प्रे से कैरी ओवर नॉक एंड किल कंफर्म यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा था कोल्ड ब्लड, अभी ब्लीड आउट हो जाएगा। ऑरेंज रॉक से उधर संधु है एंड मॉर्टल नॉकआउट हो चुका है एक नेट से। कोल्ड ब्लड यहाँ पर संधु के ऊपर रैंडम स्प्रे मार रहा था तो बहुत ही प्यारा जोन बना है। अभी बहुत ही ज्यादा बंदे अभी डाउन होने वाले थक भाई, पर सबसे बड़ी बात बंदे डाउन हो रहे हैं पर फिर भी 8 टीम अभी भी 17 लोग में बचे हैं। सिर्फ गेमिंग हब की स्क्वाड है जो जिसके चारों बंदे अलाइव है तो गेमिंग हब क्या पर यहाँ पे पेन कोल्ड ब्लड का स्प्रे आते हुए MSX का द डूड थोड़ा सा डैमेज दे रहा है। पेन कोल्ड ब्लड डीपी 28 छोड़ना ही नहीं चाहता किसी को। सोल अभी भी अलाइव है, 8 टीम 14 लोग एंड काफी लोग यहाँ पे डूब के भी मर रहे हैं। यस सही डिसीजन है मेरे ख्याल से, डूब के मर रहे हैं फिर भी किल नहीं दे रहे हैं। इधर सोल का स्क्वाड आई थिंक एलिमिनेट हो चुका है 8 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एलिमिनेट हुआ था तो मिलेगा आई थिंक 8-4-9 अगर चारों बंदे इसके एक लाइन ऑफ फायर में आ जाए। कोल्ड ब्लड नॉक होते वियोज उसे एंड यहां पे पेन अब 2v2v1 का सिचुएशन हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ईएक्स की टीम एडवांटेज में 6 किल ऑलरेडी उठा चुके हैं 2v2v1 का सिचुएशन। पर यहां पे ईएक्स का वियोज थोड़ा पीछे जा रहा है, जोन के अंदर जाना चाह रहा है बिकॉज़ जोन चेंज हो गया है एंड पर अब पेन की टीम फंस गया। इनफैक्ट चारों के जो बाकी चार लोग हैं चारों के चारों फंस चुके हैं, सभी को ओपन से इनके पास आना होगा। तो अब मुझे लगता है ये गेम ईएक्स की ओर जा सकती है अनलेस पेन नेट्स करके किसी को नॉक कर पाए। डूड को यहाँ पर पता है कि वो जोन के अंदर जाएगा तो मर सकता है तो यहाँ पर शायद पेन के एक बंदे को वो नॉक करके पूरा क्लियर आउट भी कर सकता है तो ये होल्ड कर रहा है। देखते हैं क्या करता है थक भाई, ऊपर उठेगा पेन से भाई परवटी ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है जोन में एंड दो ही फोस्टेड है इधर डूड के पास एंड इधर कोल्ड ब्लड के ऊपर स्प्रे आता है 50 HP आ चुका है। पुपू मैन का बहुत ही प्यारा नॉकआउट हो चुका है, अभी पेन के लिए चांस है थक भाई। यहाँ पे योजू का बहुत ही प्यारा एक ही स्प्रे में दो बंदों को खा गया। यहाँ पे पहला चिकन डिनर आते हुए टीम ईएक्स के लिए एंड उनके लिए 8 किल्स फिर पेंक क्लर